हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। इन द लास्ट क्लास वी वर रीडिंग सेक्शन 2 ऑफ यूनिट 1, दैट इज एडवेंचर्स इन अंटार्कटिका। वी विल कंटिन्यू विद दैट। जस्ट क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट क्लासेस। वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर एडवेंचर्स इन अंटार्कटिका। इन दैट चैप्टर वी हैड रीड दैट there are two siblings, that is Surbhi Thomas and Rishi Thomas. They themselves are telling their story about their adventures in Antarctica. वो खुद अपनी स्टोरी बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने एडवेंचर किया या क्या क्या एडवेंचर उन्होंने फेस किया अंटार्कटिका जाने तक या अंटार्कटिका तक। After that, this story is divided into two parts, two phases. दो parts में divided है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा था, दैट उन्हें इनविटेशन मिलता है कि वो अंटार्कटिका जा सकते हैं। उन्हें चिलियन नेवी की तरफ से इनविटेशन मिलता है कि वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, उन्हें अंटार्कटिका जाने का मौका मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पहले तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि उन्हें अंटार्कटिका जाने का मौका मिल रहा है। उसके बाद जब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ जोक, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, तो वो नेट पे सर्फ करना स्टार्ट करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन एट दैट टाइम। आफ्टर दैट वो फ्लाइट लेते हैं, उनका जो रूट था पहले वो फ्लाइट लेते हैं, फिर उसके बाद शिप से उन्हें अंटार्कटिका तक जाना होता है। तो सेकंड फेज में क्या होता है, दे हैड टेकन देयर फ्लाइट, दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी। आफ्टर दैट जब हम अंटार्कटिका जाते हैं तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो अंटार्कटिका जाने में सेलर्स लोग फेस करते हैं वो क्या होती है, ड्रेक पैसेज। जो ड्रेक पैसेज है वो क्या माना गया है, जो वो सी है वो ऐसा माना गया है कि वो सबसे डेंजरस, वन ऑफ द डेंजरस सी है वर्ल्ड की। उसे क्रॉस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कई लोग तो जो वो ड्रेक पैसेज क्रॉस करने की सोचते हैं वो नहीं कर पाते और इवन वापस भी नहीं आ पाते हैं। दे गॉट स्टक देयर, वो वहीं फंस जाते हैं। सो लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड रीडिंग अबाउट ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज में कैसे क्या क्या चीज़ें वो फेस कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ड्रेक पैसेज में एंटर किया वैसे ही वो समझ गए थे इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वाटर काम नहीं था, विंड्स बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी वहाँ पे। तो दे अंडरस्टूड कि क्रॉसिंग दिस ड्रेक पैसेज इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उन्हें ये भी समझ आ रहा था कि जो सेलर्स होते हैं या जो कैप्टन्स थे, इवन जो एक्सपीरियंस सेलर हैं, वो भी ये ड्रेक पैसेज क्रॉस करने में क्यों डरते हैं। उन्हें प्रीव्यू तो स्टार्टिंग में ही मिल गया था, जो वेव्स थी वो उनके शिप को हिट कर रही थी, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स थी, दैट दे हैड नॉट इवन इमेजिन। उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी ऊंची ऊंची वेव्स, उन्हें 30-50 feet हाई वेव्स मिलेंगी, और जो स्पीड थी विंड की वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस तरह से उन्हें स्टार्टिंग में जो उनकी शिप थी वो स्टेबल नहीं थी, कभी साइड में कभी मतलब इस तरह से क्या थी, मूव कर रही थी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Our previous encounter with the Drake had not prepared us for the shaky shakes. हमारा जब पहले Drake से सामना हुआ था तो उससे हम इस तरह के झटकों के लिए तैयार नहीं हुए थे। मतलब उन्हें अंदाज़ा तो लग ही गया था स्टार्टिंग में दैट इट्स नॉट एन ईजी टास्क, पर फिर भी उन्होंने इतना नहीं सोचा था कि इतना टेरिबल होगा ये सब। After that, we had imagined at the worst an experience close to the most hair-raising rides in Disneyland. We had imagined, उन्होंने imagine कर रखा था, सोच रखा था at the worst कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, an experience close to the most hair-raising rides in Disneyland. Disneyland में जो rides हैं जिनसे सब डर जाते हैं, जो किसी किसी के ही बस की होता है कि वो उस ride को राइड पे जा सकें, तो उन्होंने ये सोचा था कि वर्स्ट सिचुएशन, ख़राब से ख़राब सिचुएशन क्या होगी कि उनका वो जो डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस है
उससे ज़्यादा तो ख़राब क्या सिचुएशन होगी, एट लास्ट वो सिचुएशन हो सकती है। नॉट वन ऑफ अस हैड एक्सपेक्टेड द फुल विंड ऑफ 90 knots दैट हिट अस अराउंड 2 इन द मॉर्निंग। हम में से किसी ने भी 90 knots, नॉट्स क्या होता है, यूनिट है बोट और एयरक्राफ्ट की स्पीड मेजर करने के लिए, तो हम में से किसी ने भी 90 knots की हवा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हवा की स्पीड इतनी तेज़ होगी जो हमने सुबह 2 बजे के आसपास फील की। तो सुबह 2 बजे के आसपास की बात है जब उन्होंने 90 knots बहुत तेज़ हवाएं एक्सपीरियंस की। विथ 30 meter हाई वेव्स क्रैशिंग इन टू इट द शिप रॉक्ड सो वाइडली दैट नॉट वन ऑफ अस फेल्ट इंक्लाइंड टू मेक इट फॉर ब्रेकफास्ट लेटर दैट मॉर्निंग। 30 meter ऊंची वेव्स शिप से टकरा रही थी, जो वेव्स थी वो अराउंड 30 meter ऊंची थी जो शिप से टकरा रही थी। शिप इतनी बुरी तरह हिल रहा था, शेक कर रहा था कि फिर बाद में हम में से किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कोई जाकर ब्रेकफास्ट बना दे। तो मतलब वो लोग इतना डर गए थे कि बाद में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई जाके ब्रेकफास्ट बना ले बाद में। वी स्टेड इन आवर कैबिन्स एंड क्लंग टू आर बर्थ्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम अपने कैबिन्स में ही रहे, जो उनका कैबिन थे शिप में तो वो अपने कैबिन में ही रहे और अपने बर्थ यू कैन से जो बेड था वहाँ, मतलब जो उनको बेड अलॉट किया गया था वो उनका बर्थ, वो वहीं रहे। बाय द टाइम सॉरी द विशियस सीज एंड द स्क्रीमिंग विंड्स ऑल कन्वर्ज टू पुट अस थ्रू द ब्रेक शेक। द विशियस सी, विशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। तो जो डेंजरस सी और तेज़ हवाएं थी हमें ड्रेक की तरफ पुश कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो इतनी तेज़ हवा चल रही है और ये जो सी है, जिस तरह से इसमें वेव्स इतनी ऊंची ऊंची वेव्स हैं, तो ये सब उन्हें किस तरह ड्रेक की तरफ पुश कर रही थी। वी वर अफ्रेड टू लेट गो ऑफ द साइड रेल्स फॉर फियर ऑफ बीइंग पिश्ड आउट ऑन टू द फ्लोर। हम फर्श पर गिरने के डर से साइड रेलिंग पर जाने में भी डर रहे थे। अब वो क्या था, साइड रेलिंग पर भी जाने से डर रहे थे। रेलिंग क्या होता है, मतलब यहाँ आप कह सकते हो जो शिप होती है ना, तो साइड्स में जो पाइप्स की तरह आप कह सकते हो, पाइप के टाइप की तरह होता है, दैट इज़ रेलिंग। तो वो वहाँ जाने में भी डर रहे थे। वी हैड टेकन सी सिकनेस पिल्स बट देर वॉज नो टाइम टू इवन थिंक ऑफ सी सिकनेस। क्या कह रहे हैं वो, हमने सी सिकनेस पिल्स ली। सी सिकनेस का मतलब क्या होता है, अच्छा फील ना करना, वॉमिटिंग वगैरह फील करना। और वो हमें क्यों फील होता है, हमें अच्छा क्यों फील नहीं होता, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, क्योंकि जो शिप के इधर उधर मूवमेंट होने से, कभी शिप राइट में मूव कर रही है कभी लेफ्ट, मतलब शिप कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से जो फीलिंग होती है, दैट इज़ सी सिकनेस। तो हमने सी सिकनेस पिल्स ली, पिल्स मतलब दवाइयाँ ली, पर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था सी सिकनेस के बारे में सोचने का भी, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एट सम पॉइंट वी गेव अप ट्राइंग टू स्लीप एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग आवर सेल्स ऑन द बर्थ। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी दैट दे गेव अप ट्राइंग टू स्लीप, हमने सोने की कोशिश करना भी छोड़ दिया था। एंड वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ कर रहे थे, उनका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक ही जगह पे था कि खुद को बर्थ पर रखने का ध्यान किया जाए, कि किस तरह से वो जहाँ हैं जिस जगह पे हैं वो वहीं रहें, कि वो इधर उधर ना फिसलें ना गिरें। तो मेन कॉन्सेंट्रेशन उनका वही था। बाय द टाइम वी हैड क्रॉस्ड द ड्रेक ओवर द नेक्स्ट 2 days वी एंडेड अप विद स्किन बर्न्स एंड स्ट्रेन मसल्स फ्रॉम स्लाइडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बर्थ टू द अदर। तो अब क्या हो रहा था कि उनका मेन कॉन्सेंट्रेशन तो क्या था कि वो अपने बर्थ पे ही रहें, इधर उधर ना मूव करें, बिकॉज जो शिप था ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, शेक कर रहा था। तो उनकी मेन प्रायोरिटी तो अब क्या थी कि वो वहीं अपने बेड पर ही रह सके, जहाँ हैं वहीं रह सके। तो क्या होता है, बाय द टाइम वी हैड क्रॉस द ड्रेक ओवर द नेक्स्ट 2 days वी एंडेड अप विद स्किन बर्न्स एंड स्ट्रेन मसल्स
फ्रॉम स्लाइडिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द बर्ड टू द अदर। तो अब क्या था, अगले दो दिनों में जब तक हम ड्रेक को पार नहीं कर लेते तब तक हमारी उनकी क्या थी, स्किन जो थी वो जल चुकी थी। मतलब उन्हें जलन फील हो रहा था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल गई थी, मतलब उन्हें जलन फील हो रहा था स्किन पे। और क्योंकि एक तरफ से बर्थ के एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करने की वजह से, फिसलने की वजह से उनकी मसल्स में भी क्या आ रहा था, खिंचाव आ रहा था, खिंचाव हो गया था। वी वुड हैव लव्ड टू टेक ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ द शिप्स बो क्रैशिंग थ्रू माउंटेन वेव्स, बट आफ्टर द फर्स्ट फ्यू दिस वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो वो क्या कह रहे हैं, वी वुड हैव लव टू टेक ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ द शिप्स बो, कि जो शिप की बो थी उससे जब वेव्स टकराती हैं तो उन्हें भी, मतलब उन्हें भी अच्छा लगता कि वो उन वेव्स की फ़ोटोज़ क्लिक करते, वो जो सीन था वहाँ पे उन सब की फ़ोटोज़ क्लिक करते। पर हुआ क्या, उन्हें भी ये सब अच्छा लगता पर ये सब सोचने का भी कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्होंने कुछ ही पिक्चर्स ली थी और जो सी थी उसकी ऐसी कंडीशन हो गई, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आने लग गई, तो ये सब सोचने का भी अब कोई मतलब नहीं था। एज वो कंफर्टेबल होते, इंजॉय कर रहे होते तो पिक्चर्स लेने का ही मतलब था, पर अब मेन काम क्या था उनका, कि वो खुद को संभाल लें, खुद को बचा लें, और सब तो बाद में होता रहेगा, पिक्चर्स लेने का क्या मज़ा जब वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है। तो जस्ट गेटिंग फ्रॉम आवर बंक्स टू द बाथरूम वॉज रिस्की बिजनेस। मतलब सिर्फ अपनी जगह से उठकर बाथरूम तक जाना भी बहुत रिस्की था, सिर्फ अपनी जगह से उठ के बाथरूम तक जाना वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था। बिकॉज शिप इतना शेक कर रहा था, हिल रहा था, मूव कर रहा था, कि शिप में मूव करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। कि उन्हें लगा कि अगर वो अपने बर्थ से उठे, अपने बर्थ को उन्होंने छोड़ा, तो शिप इतना ज़्यादा मूव कर रहा है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पहुँच जाएंगे। दैट वॉज थ्रॉन क्लियर अक्रॉस देयर कैबिन वंस एंड वॉज लकी नॉट टू हैव क्रैक्ड ओपन। तो जो सुरवी और ऋषि थॉमस हैं बताते हैं कि उनके फादर हैं एक बार तो कैबिन के पार चले गए थे शिप में मूवमेंट होने की वजह से, बट वो लकी थे कि उनके सिर पर इंजरी नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी। लकीली वी वर बाय आवरसेल्व्स इन द कैबिन दैट टाइम, सो नो वन सॉ अस क्रॉलिंग लाइक इंसेक्ट्स टू द टॉयलेट। तो उसके बाद क्या होता है, वो बताते हैं कि लकीली उस टाइम सब अपने अपने कैबिन में थे तो किसी ने भी हमें रेंगते हुए टॉयलेट जाते वक्त नहीं देखा। तो वो टॉयलेट भी जा रहे थे, उन्हें टॉयलेट वॉशरूम भी जाना था, तो वो कैसे जा रहे थे, रेंगते हुए जा रहे थे, क्योंकि अगर वो सीधा चल के खड़े होके जाते तो पता ही नहीं कि वो पहुंच कहाँ जाते, क्योंकि शिप इतना ज़्यादा मूव कर रहा था, शेक कर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें वॉशरूम जाना था तो कीड़ों की तरह रेंगते हुए वो वहाँ पे गए। These all things I'm telling you about the Drake Passage, कि जब वो Drake Passage सी क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की। Still, some of the difficulties, some of the things are remaining. That I will explain you in the next video. I hope आपको समझ आ रहा होगा कि Drake Passage को इतना dangerous क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग जो हैं problem face कर रहे हैं तो सबके लिए तो ये भी पॉसिबल नहीं होता कि वो ड्रेक पैसेज से निकल जाएं। बहुत रेयरली चांस होते हैं कि ड्रेक पैसेज से बाहर निकला जाए सेफली। सो वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।